रोज बस 5 मिनट करना है, गलती नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना है। आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरा फोकस कंसंट्रेशन खराब है, मेरी मेमोरी वीक है, मेरी संकल्प शक्ति वीक हो गई है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। सभी समस्याओं का समाधान होगा, बस 5 मिनट आपको करना है जैसा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देख लेना। पहले स्वामी विवेकानंद की एक रियल स्टोरी सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद को श्रुतिधर कहा जाता है, मतलब जो भी कुछ वो सुनते थे और देखते थे उनके दिमाग में प्रिंट हो जाता था, वो कभी भूलते नहीं थे। हमारे जैसे लोग नॉर्मल एक पेज को पढ़ने के लिए 2 से 3 मिनट समय लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद 2 से 3 सेकेंड में एक पेज पढ़ लेते थे। बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स को, किताबों को वो कुछ ही घंटों में फिनिश कर देते थे। एक बार क्या होता है, 1890 में मेरठ में स्वामी जी थे और एक लाइब्रेरी से रोज एक एक किताब मंगाते थे, बड़ी बड़ी वॉल्यूम मंगाते थे और अगले दिन वापस कर देते थे। कई दिनों तक ये क्रम चला, लाइब्रेरियन चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पढ़ रहे हो या बस देख करके छोड़ देते हो। उसको डाउट हो गया, स्वामी जी को पता चला तो स्वामी जी ने बोला ठीक है तुम एक काम करो, मुझे पूछ लो जो पूछना है, जिन किताबों को मैंने पढ़ी है जहां से जो भी कुछ तुमको पूछना है पूछ लो। और उस लाइब्रेरियन ने वैसे ही किया, जहां से जो भी उसने पूछा पेज नंबर वाइज एग्जैक्टली स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया। वो चौंक गया, उसने पूछा कि ऐसा कैसे संभव है, आपकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है। स्वामी जी ने कहा इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। जिसके जीवन में जितनी एकाग्रता है वो उतना ज्यादा याद रख सकता है और उतने कम समय में वो पढ़ सकता है और दुनिया को चौंका सकता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले अल्फाबेट को पढ़ता है, बहुत स्लो पढ़ता है, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता है, शब्द को पढ़ते पढ़ते पूरी सेंटेंस को पढ़ता है, फिर पूरी बुक को बड़ी आसानी से पढ़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है। अभ्यास करते करते जैसे जैसे उसका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो चीजों को पढ़ने लग जाता है, तेजी से पढ़ने लग जाता है और याद रखने लग जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में ज्यों ज्यों हम फोकस और कंसंट्रेशन को डेवलप करते हैं, त्यों त्यों हम भी बहुत तेजी से कम समय में पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे कारगर और पावरफुल जो तरीका है वो है त्राटक, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सुबह करो या शाम को करो, कभी भी कर सकते हैं। 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप कमर सीधी करके स्ट्रेट बैठेंगे अपने रूम में या कहीं भी जहां पर आप पढ़ाई करते हैं या जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और आप स्ट्रेट बैठ गए। बैठने के बाद यहां पर जो थर्ड आई है, ये थर्ड आई ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में 2 मीटर की दूरी में, लगभग मैं बोल रहा हूं 2 मीटर की दूरी पे, कम ज्यादा थोड़ा चलेगा, ऐसा कुछ एक पिक्चर आप प्रिंटआउट निकाल लीजिए और उसको वॉल पे पेस्ट कर लीजिए। अगर इसको देखकर आप नहीं कर सकते तो आप कोई भी महापुरुष की थर्ड आई को भी देख करके आप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ये बहुत कारगर रहेगा आपके लिए। 5 मिनट तक एक टक आपको उस पॉइंट को देखना है, जो बीच में जो पॉइंट है इसको देखना। शुरुआत में आंखों में जलन होगी, आपको रुकना नहीं है। 5 मिनट से बढ़ा करके आप 15 मिनट तक जा सकते, 1 महीने तक आप एक बार करके देखिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में, आपका फोकस और कंसंट्रेशन जबरदस्त बढ़ जाएगा, संकल्प शक्ति भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, एक बार अगर आपने सोच लिया उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया तो 100% आप सफल होकर ही रहेंगे। इसको बोलते हैं एकाग्रता की शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने 2 बात और भी कही है इस चीज में। सिद्धि जल्दी पाने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य का होना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ प्रैक्टिस भी रोज करना है, नियमित रूप से। अगर आप पेशेंस के साथ इसको प्रैक्टिस रोज करेंगे तो आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जिनको ठीक करने के लिए हो सकता है आप बहुत सारी दवाइयां खा रहे हों, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स खा रहे हों, बहुत ज़्यादा इधर उधर चक्कर खा रहे हों, लेकिन सिंपल त्राटक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 5 से लेकर के 15 मिनट तक रोज, तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने में आपके जीवन में जबरदस्त चमत्कार हो सकता है। साथ में मंथनम के ऐप को इंस्टॉल करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया है,
इसको मैं मंथनम के ऐप में जो स्वाध्याय कोर्स है उसमें भेजने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।